अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रजा। आज हम आपको बताएंगे न्यू हॉल सिटी के हवाले से, जिसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो बहरे टाउन से 3 किलोमीटर के फासले पर मेन कैनाल रोड के ऊपर वाकई है। वैसे तो न्यू हॉल सिटी के हवाले से डिफरेंट वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहती है, लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिकली फेज 1 के हवाले से है और उन लोगों के लिए जो न्यू हॉल सिटी को बहुत कम जानते हैं और जिन्होंने इसको विजिट नहीं किया हुआ या फिर अगर विजिट किया हुआ है तो काफी देर पहले का किया हुआ है और उनको आइडिया नहीं है कि इसमें कितनी इस वक्त जो है डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और किस तरह का इस ब्लॉक को बनाया गया है, कितने इसमें जब घर बन चुके हुए हैं, कितने इसमें प्लॉट्स हैं, क्या प्लॉट्स की कैटेगरीज है, कौन सी कटिंग इसमें अवेलेबल है और क्या उनकी प्राइसेस है। तो आज हम इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में देंगे। फेज 1 जिसको हम ओवरसीज ब्लॉक भी बोलते हैं, ये एक इंतहाई खूबसूरत और शानदार ब्लॉक है, बिकॉज ये एंट्रेंस के बिल्कुल जो है वो करीब आता है। मतलब जैसे ही आप न्यू हॉल सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो जो एरिया स्टार्ट होता है वो फेज 1 कहलाता है और इसी तरह आगे चलते हुए फर्स्ट राउंड अबाउट तक जो है वो फेज 1 का एरिया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 150 फुट का ये जो मेन गोलीवर्ड है, इसके लेफ्ट राइट जो है एक कनाल और दो कनाल की कटिंग है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो एक कनाल का प्लॉट आप यहाँ पे जो है वो 1.50 करोड़ का तकरीबन जो है वो बाय कर सकते हैं और दो कनाल का प्लॉट आप यहाँ पे 2 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला की कटिंग भी अवेलेबल है। 3 मरला प्लॉट की अगर हम बात करें तो आप इसे 30 से 32 लाख की ब्रैकेट में बाय कर सकते हैं और 18,000 रुपए ट्रांसफर फीस देके आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पोजेशन इसमें अवेलेबल है और इसके अलावा आप अगर इस पे घर बनाना चाह रहे हैं तो 60,000 रुपए यूटिलिटी मैप और डिजाइन चार्जेस आप देके आप इस पर फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मरला की प्राइस की अगर हम बात करें तो 38 लाख से लेकर 40 लाख की ब्रैकेट में आपको 5 मरला का यहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट मिल सकता है और 35,000 ट्रांसफर फीस देके आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं और 88,000 रुपए इसके यूटिलिटी और मैप चार्जेस हैं, इनको पे करने के बाद आप फौरी तौर पर इस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 7 मरला प्लॉट की अगर हम बात करें तो आप इसको जो है वो 50 से लेकर 55 की ब्रैकेट में जो है परचेज कर सकते हैं और 10 मरला का प्लॉट आप यहाँ पे 70 लाख से लेकर 80 लाख की ब्रैकेट में जो है वो बाय कर सकते हैं। 10 मरला की ट्रांसफर फीस इसमें जो है वो 50,000 रुपए है और इसके यूटिलिटी मैप और डिजाइन चार्जेस जो है वो तकरीबन 1,82,000 रुपए है। तो फेज 1 जो है वो इंतहाई जबरदस्त और खूबसूरत ब्लॉक है जिसमें 2 वसी और खूबसूरत पार्क दिए गए हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत वसी और वेल मेंटेन पार्क हैं। और इसके अलावा इस फेज के अंदर जो है वो एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है माशाल्लाह और मेन बॉलीवुड के बिल्कुल करीब में आती है। ये फेज तकरीबन 250 प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल एक इंतहाई छोटा सा जबरदस्त ब्लॉक है और इसमें तकरीबन कोई 60 से 70 घर जो है वो इस वक्त बन चुके हुए हैं। जिस तरह की आप ये सामने देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत जो है वो यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं और लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद न्यू हॉल सिटी के अंदर किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग या इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, आप इस पर भी हमें विजिट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।